नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। संसद में बनने वाले कानूनों के विरोध को लेकर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कुछ लोगों के लिए हर बात का विरोध करना फैशन बन गया है और वे संविधान को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने उन उपद्रवी तत्वों को लेकर चिंता व्यक्त की जो कानूनी वैध और संवैधानिक चीजों का एड़ी चोटी का जोर लगाकर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि बहस में विरोध करना ठीक है, लेकिन जब कोई कानून बनता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह लागू नहीं हो सकता। भारत की सीमा के पास उत्तर पश्चिमी म्यांमा में शुक्रवार तड़के 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। वहां कम आबादी होने के कारण नुकसान भी कम हुआ है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र चीन राज्य की राजधानी हका शहर के पास 32.8 किलोमीटर 20.4 मील की गहराई पर था, जिसके झटके सीमा पार भारत और बांग्लादेश के कस्बों तथा शहरों में भी महसूस किए गए। एजेंसी ने बताया कि इस क्षेत्र में हाल में आए भूकंपों ने भूस्खलन जैसे खतरों को बढ़ा दिया है, जिससे काफी नुकसान हो सकता है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने 7 दशक पूरे कर चुका है और निरंतर विस्तार और सुधार कर रहा है। 1947 में स्वाधीन होने के बाद राज्यों के एक संघ के तौर पर भारत ने अपना एक नया संविधान तैयार करना शुरू कर दिया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर जाना जाता है। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था। उस दिन को देश में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। यही कारण है कि वे कांग्रेस की कई बैठकों में भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली स्थित उनके आवास पर पूर्व सीएम का हालचाल जानने पहुंची। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी गुरुवार शाम को मनमोहन सिंह के घर पहुंची और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। धरती के करीब 70% विस्तार में समुद्र फैले हैं, जो कुदरत के अनमोल खजाने से भरे पड़े हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में लाखों तरह के जीवों के अलावा अभी कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनसे मनुष्य अनजान है। समुद्र के नीचे वैज्ञानिक लगातार खोज करते रहते हैं। खोज के दौरान कई बार वैज्ञानिकों के हाथ ऐसी चीज लग जाती है जिसकी उम्मीद तक नहीं होती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे एक ऐसी नई और बेहद खूबसूरत दुनिया का पता लगाया है, जहाँ कई हैरत अंगेज चीज दिखाई दी। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 10,549 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 488 लोगों की जान चली गई। इस दौरान 9,868 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना से ठीक होने वाले मामलों की संख्या 3,39,77,830 तक पहुँच गई है। हालांकि एक्टिव केस की संख्या अब भी 1,10,000 से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टीम पेन ने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फैसला किया। अब वह अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली एशेज सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे। उनके मैनेजर जेम्स हेंडरसन ने पुष्टि करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य की वजह से टीम पेन ने क्रिकेट से अनिश्चितकालीन के लिए ब्रेक लिया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है। सरकार ने भी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से शीतकालीन सत्र में बिल पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में डिजिटल करेंसी को लेकर लोग क्या सोचते हैं? एक हालिया सर्वे में सामने आया है कि भारत की आधी से ज्यादा करीब 54% आबादी क्रिप्टो करेंसी को पसंद नहीं करती है। धरती पर उगते और डूबते हुए सूर्य की तस्वीर तो हम सभी ने देखी है। इस दौरान आसमान में दिखने वाला नजारा किसी का भी मन मोह लेता है। धरती पर उगते और डूबते हुए सूर्य की अलग अलग स्थानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं, जो बेहद खूबसूरत होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ग्रहों पर उगते और डूबते सूर्य की तस्वीर देखी है? तो आपके मन में सवाल खड़ा रहा होगा कि वह ये नजारा कैसा दिखता होगा। अभी इस बीच नासा ने ग्रहों पर सूर्यास्त कैसे होता है इसकी एक तस्वीर शेयर की है, जो दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। संविधान दिवस के अवसर पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 हमलों में शहीद हुए बलिदानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इन सुर्खियों में बस इतना ही। धन्यवाद।